हरियाणा के किसान अब न सिर्फ अपनी अलग पहचान बना चुके हैं बल्कि विश्व पटल पर भी अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। हरियाणा सरकार के जागरूकता कार्यक्रमों की वजह से जिस तरह से किसानों की सोच बदली है वैसे ही उनके हालात भी बदलते चले गए। सिरसा के किसान सतीश कुमार से मिलिए जो ऐसे किसानों में से एक हैं। जानकारी के मुताबिक पानी की क्वालिटी अच्छी न होने की वजह से उनकी खेती की आमदनी ना के बराबर थी, मुश्किल से ही घर का गुजर बसर होता था। माथे पर चिंता की लकीरें हमेशा ही खिंची रहती थी क्योंकि एक तरफ पानी की बेकार क्वालिटी की वजह से परेशानी झेलनी पड़ती थी, फसलों की पैदावार अच्छी नहीं होती थी, तो वहीं दूसरी तरफ प्रकृति के कहर की चिंता भी सदा सताए रखती थी। जिसके बाद उनको हरियाणा सरकार का साथ मिला, उद्यान विभाग की मदद से उन्होंने बागवानी के क्षेत्र में कदम रखा जिससे उनके वारे न्यारे हो गए। अब उनका करीब 1 करोड़ का सालाना टर्नओवर है। सतीश कुमार ने बताया कि पहले पारंपरिक खेती में उनको ज्यादा फायदा नहीं होता था, पानी की ज्यादा किल्लत थी, लेकिन उसके बाद सरकार की मदद से बागवानी क्षेत्र को अपनाया। विभाग के अधिकारियों ने काफी मदद भी की जिसकी वजह से खेती के नए नए तौर तरीके सीखने को मिले जिसके बाद से अब काफी फायदा हो रहा है। स्टार्टिंग में पहले जैसे नरमा है, गुआर है, ये फसल बोया करते थे, इसमें कोई ज़्यादा बेनिफिट नहीं था, मेहनत ज़्यादा थी। पानी की, ये बॉर्डर का हमारा इलाका है, पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत थी। फिर हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से मिलके उन्होंने सुझाव कि आप किन्नू माल्टा ये लगाओ तो इसमें बेनिफिट अच्छा होगा और पानी की बचत करने के लिए आप इसमें ड्रिप लगाओ। तो फिर उनसे मिलके हमने सारा सिस्टम धीरे धीरे करके स्टार्ट किया। अब हमारा सारा बगीचा है वो ड्रिप पे है, पानी की लगभग 50 से लेकर 90% बचत हो रही है। आज 32 एकड़ में बागवानी कर रहे हैं। हमारा माल्टा, किन्नू और अमरूद की बागवानी है। आज इसमें शुद्ध प्रॉफिट 1 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। किसान सतीश कुमार ने बताया कि वो आज 32 एकड़ में बागवानी कर रहे हैं, ड्रिप सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं जिससे पानी की 90% तक बचत होती है और आमदनी कई गुना बढ़ गई है। किसान ने बताया कि सरकार की तरफ से उन्हें टैंक पर विशेष सब्सिडी दी जाती है, साथ ही ड्रिप सिस्टम पर उन्हें अनुदान प्रदान किया जाता है। उन्होंने दूसरे किसानों से भी पारंपरिक खेती को छोड़कर प्राकृतिक खेती अपनाने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि इस खेती में मुनाफा काफी ज्यादा है, इतना ही नहीं इसमें बागवानी विभाग हर संभव मदद भी करता है। साथ ही साथ वो समय समय पर आधुनिक खेती की जानकारियां और तकनीकों से भी अवगत कराते रहते हैं जिससे किसानों को काफी ज्यादा फायदा होता है। हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट ने हमें टैंक पे भी सब्सिडी दी, ड्रिप पे भी दी है, पौधों पे दी है, तो इसकी वजह से हमारा जो कॉस्ट है वो काफी घट गया। मैं सभी किसानों से कहना चाहूँगा पहले पुरानी खेतियाँ वो छोड़ के हॉर्टिकल्चर की तरफ आए, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट आपकी हर संभव मदद करेगा। मेरी भी बहुत सहायता की है, उन्हीं की सहायता की वजह से पहले यहाँ हमारी इनकम लगभग 2 से लेकर 10 लाख रुपए टोटल थी, अब वो 50 से लेकर अच्छी फसल होती है तो 1 करोड़ रुपए तक है। सारा का सारा हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट की ही मेहरबानी। हरियाणा में ऐसे किसानों की सूची काफी बड़ी है जो बागवानी को अपनाकर आमदनी में बढ़ोतरी कर चुके हैं और अपनी आर्थिक स्थिति को सुधार चुके हैं। अब पलवल के प्रगतिशील किसान धैर्य भारद्वाज की सफलता के राज बताते हैं जिनको हरियाणा सरकार द्वारा भी सम्मानित किया जा चुका। ये किसान अमरूद, नींबू और किन्नू जैसे फलों की बागवानी करते हैं। बागवानी विभाग के काफी मददगार जानकारियों की बदौलत उनको खेती में काफी लाभ हुआ है। वो खुद भी हरियाणा सरकार की योजनाओं को काफी शानदार बताते हैं। उन्होंने बताया कि वो ट्रेडिशनल खेती करते थे, धान, मूंग और गेहूं की, लेकिन उसमें ज्यादा लाभ नहीं मिलता था, जिसके बाद ट्रेडिशनल खेती को छोड़कर बागवानी की तरफ रुख किया, जिसमें बागों के साथ साथ इंटरक्रॉपिंग सब्जियों की खेती भी की। शुरुआत में जब तक बाग मैच्योर हुआ तब तक सब्जियों की इंटरक्रॉपिंग की। आज उन्होंने 55 एकड़ में अमरूद, नींबू और किन्नू का बाग लगा रखा है। इसमें पारंपरिक खेती से ज्यादा कमाई भी की है। ट्रेडिशनल खेती में काफी खर्चा है और फायदा कुछ ज्यादा नहीं है,
लेकिन बागवानी में खर्च कम और मुनाफा काफी अधिक है, क्योंकि हरियाणा सरकार पौधे भी देती है, उनके रखरखाव के लिए पैसा भी देती है, साथ ही उससे संबंधित कुछ दवाइयां भी बागवानी विभाग की तरफ से मिलती है। इन्होंने अब अपने व्यवसाय का दायरा और भी बढ़ा दिया है। 9 एकड़ से खेती शुरू करने के बाद अब किसान धैर्य भारद्वाज 55 एकड़ में खेती कर रहे हैं। हरियाणा के अलावा राजस्थान तक भी इन्होंने अपनी खेती का विस्तार कर लिया है। उन्होंने कहा कि बागवानी से बेहतर कुछ भी नहीं है। जब मैं 15 साल का था, मैं अपने नाना जी की मदद करने के लिए फार्म पे आने लगा। हम लोग ट्रेडिशनल खेती करते, धान मूंग और गेहूं की खेती करते थे, पर उसमें इतना ल्यूक्रेटिव नहीं था, तो हमें ऐसा लगा कि धान की खेती को छोड़कर हम लोग बागों की तरफ चलें, तो हमने इंटरक्रॉपिंग की। इसमें हमने बागों के साथ साथ सब्जियों की भी खेती की। जब तक 4 साल में 3 साल में बाग मैच्योर होता था, तो हम इतने इंटरक्रॉपिंग करते रहे सब्जी की। आज भगवान की दया से हम लोगों के पास 55 एकड़ में अमरूद और नींबू और किन्नू का बाग है, और इसमें रिटर्न भी जो ट्रेडिशनल खेती है उससे कई गुना ज़्यादा है। ट्रेडिशनल खेती में हम लोग क्या कर सकते हैं, पूरी इनपुट लगती रहती है, पूरे साल हम पैसा लगाते रहते हैं। इसमें हमें एक बार पैसा लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, कि हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है, वो पौधे भी देता है, उनके रखरखाव के पैसे भी देता है, और वो दवाई ववाई सब कुछ हम लोगों को हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से मिलती है। अमरूद का लगाएं तो मिनिमम 70,000 रुपये एकड़ के हिसाब से साल की रिटर्न है, और जो मैक्सिमम रिटर्न है जो हम लोगों के हाइब्रिड के गुआवा है, 1 kg गुआवा और थाई गुआवा, उसमें हम लोगों को 2 लाख रुपये एकड़ तक का भी रिटर्न आ रहा है। साल भर एक साल मेहनत करनी पड़ती है, उसके बाद लगभग 30-40 साल तक रिटर्न है। तो मेरा शुरू से हॉर्टिकल्चर की तरफ से इंटरेस्ट था, पेड़ पौधों में मेरा अच्छा लगता था कि जंगलों में हम रहें, परमा कल्चर करें। तो इसी तरीके से हमने स्टार्टिंग की, हमने 9 एकड़ से स्टार्टिंग की हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से, आज 55 एकड़ हरियाणा में, और इतना ही हम लोगों ने राजस्थान में बागवानी की है। जानकारी के मुताबिक किसान धैर्य भारद्वाज को बेस्ट शोर अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। चूंकि बागवानी के क्षेत्र में ये किसान काफी बेहतर साबित हुए हैं, जो दूसरों के लिए प्रेरणादायक भी हैं, और इन्होंने एक बड़ी मिसाल भी पेश की है। उन्होंने बताया कि सरकार की तरफ से उनको विशेष सब्सिडी भी दी जाती है। उन्होंने दूसरे किसानों से बागवानी अपनाने के आह्वान के साथ साथ युवाओं को भी संदेश देते हुए कहा है कि इस खेती को बिल्कुल भी हल्के में ना लें, क्योंकि इससे न सिर्फ घर का खर्च बेहतर होगा, बल्कि आर्थिक स्थिति में तेजी से सुधार, दूसरे लोगों को एक तरह से रोजगार देने में भी सक्षम हो सकते हैं। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार की तरफ से उन्हें हर संभव सुविधा प्रदान की जाती है, जिसकी उन्हें जरूरत होती है। विभाग हमेशा ऐसे किसानों के साथ खड़ा रहता है और कई तरह की बेहतर जानकारी भी देते हैं, जो किसानों के लिए लाभदायक होती है। इससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता। आप नेचर के बीच है, पक्षियों के बीच है, और हरियाणा सरकार द्वारा मुझे बेस्ट हॉर्टिकल्चर अवार्ड प्लस एग्रो फॉरेस्ट्री का भी बेस्ट फार्मर अवार्ड फॉर एग्रो फॉरेस्ट्री भी मिला मुझे। आज की डेट में हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट फूड प्रोसेसिंग के भी लिए भी सब्सिडी दे रहा है। अगर आपको ये सोचते हैं कि आप लोगों की मार्केटिंग में प्रॉब्लम आएगी, पल्प यूनिट लगा लीजिए, आप कोई भी प्रोसेसिंग यूनिट लगा सकते हैं। जो नई पीढ़ी है, हमारे पढ़े लिखे लोग खेती को हल्का मानते हो, बिल्कुल ना माने, कि आने वाला टाइम खेती का होगा। नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन के तहत आपको छोटी से बड़ी सब्सिडी मिल सकती है। आप इतना मतलब हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट तो इतना फ्लेक्सिबल है, वो लोग कहते हैं आपको क्या चाहिए हम प्रोवाइड करेंगे, इससे अच्छा क्या हो सकता है। वो मेरे को खजूर की खेती का मन था, जबकि खजूर का एक पेड़ 3,000 रुपये का था, उन्होंने मुझे 90% सब्सिडी पे एमिरेट से खजूर का पेड़ मंगा के दिया। तो इससे अच्छा क्या हो सकता है, हम जो चीज़ चाहते हैं हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट वो दे रहा है। मुझे बहुत फायदा हुआ है। हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के लिए मैं एक थम्स अप दूंगा, क्योंकि आई एम वेरी मच इम्प्रेस्ड बाय देयर ऑल द सब्सिडीज दे आर गिविंग टू अस, तो आई एम फील गुड फॉर इट। मानो हरियाणा सरकार किसानों पर मेहरबान है। हरियाणा सरकार की नई नई योजनाओं से किसानों को काफी फायदा तो हो ही रहा है, साथ ही उनकी आय में कई गुना की बढ़ोतरी भी दर्ज हो रही है। यानी पहले जिन किसानों की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, अब वो आधुनिक तकनीकों को अपनाकर खेती और अपनी आर्थिक स्थिति को नए आयाम तक पहुंचा चुके हैं। किसानों के सपने को सच बनाने में बागवानी विभाग का भरपूर योगदान रहा है।